कांग्रेस नेता उदित राज ने अमित शाह पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अमित शाह को विपक्षी एकजुटता से परेशानी हो रही है और ये लोग खुद भ्रष्ट हैं और इसलिए ऐसी बातें करते हैं। राहुल गांधी यूथ लीडर हैं और उन्हें प्यार देते हैं, वो इस देश में पीएम बनेंगे और जनता उन्हें बनाएगी। अमित शाह के बयान पर कहा कि कन्हैया लाल हत्या मामले पर राज्य सरकार ने कार्रवाई की, दोषियों को गिरफ्तार किया और इनके राज में ब्रजभूषण शरण सिंह हाथरस कांड हुआ, तब कहाँ थे, क्या वहां पर कार्रवाई की? दोषी को बचाने का काम भाजपा करती है, कांग्रेस नहीं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 21 विपक्षी दलों की लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है और कहा जा रहा है कि लोकसभा से पहले सभी विपक्षी एकजुट होकर जो है भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता उदित राज जी हैं। उदित जी, आज अमित शाह का दौरा था उदयपुर में, उन्होंने कहा है कि 21 विपक्षी दल जो हैं वो सब भ्रष्ट विपक्ष हैं और अगर ये सब लोग मिलकर चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने और जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश में एक बार फिर से भ्रष्टाचार की नीति जो है बहने लग जाएगी। इनको बेशरम कहें कि मर्यादाहीन कहें, अडानी इतना बड़ा लूट करके देश का बैठा हुआ, प्रधानमंत्री जी के दोस्त हैं, प्रधानमंत्री जी उन्हीं के जहाज में 2014 का चुनाव लड़ा और सेल कंपनियों के द्वारा लाखों करोड़ों का गबन की बात स्थापित हो गई है, कुछ बोलते नहीं हैं, उसके बाद LIC और SBI को किस तरह से लुटवाया है, इनको शर्म भी नहीं आती कहने का। और दूसरी बात है कि जो विपक्ष में थे कभी भ्रष्ट हुआ करते थे, चाहे हेमंत बिस्व शर्मा हैं, शुभेंदु अधिकारी हैं, मुकुल राय हैं, नारायण राणे हैं, येदुरप्पा हैं और बहुत सारे लोग हैं, जैसे ही BJP में शामिल होते हैं सब संत बन जाते हैं। तो राहुल जी एक बार प्राइम मिनिस्टर बन गए, हालांकि राहुल जी ने प्राइम मिनिस्टर पद को ठुकराया था 2009 में, तो यह भी मान लें, लोगों का कहना है कि आदमी जल्दी PM पद से हटेगा नहीं। अब समझ में बात लोगों को आने लगी कि बहुत बहुत वेल एजुकेटेड जनता के व्यक्ति हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, इसीलिए घबराए हुए हैं। 21 पार्टियों के जुटान से घबराए इतने क्यों हैं? एक तरफ कहते हैं फोटो सेशन है, दूसरी तरफ चारों तरफ से आलोचना कमेंट कर रहे हैं कि नहीं होगा होगा, ये घबराए क्यों हैं? इन्हें पता लग गया है कि इनका चलता करने का समय आ गया है। सवाल ये भी खड़ा होता है उदयराज जी कि आप लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि विपक्षी दल साथ में आ जाए, चेहरे बहुत सारे हैं, वही राहुल गांधी है, नीतीश कुमार है, ममता बनर्जी है, अरविंद केजरीवाल, ये सभी चेहरे प्रधानमंत्री की रेस में, आपको लगता है कि किसी एक चेहरे पर सहमति बन पाएगी? लगता है आप लोगों को भी परेशानी है, आपको परेशानी समझ सकता हूँ, और विपक्ष की सत्ता पक्ष तो परेशान है ही है। ये हमारा मामला है कि कौन PM बनेगा कौन नहीं PM बनेगा, तो अभी शुरुआत हुई है, पहले तो सोच रहे थे कि जुटान होगा नहीं, अब जुटान हो गया, दूसरी बैठक 12-13-14 को बंगलोर में हो रही है, उसकी चिंता वो लोग छोड़ दे कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। देखिए, साफ तौर पर इनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी में ऐसी कोई बातचीत नहीं है, उनकी पार्टी में जो है लोगों को बचाया जाता है। मेरे सहयोगी KD के साथ मैं कनिका, सच पे धड़क दिल्ली।